सब कैसे हो? ये आवर डेस्टिनी का 25th पार्ट है। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि जंगकुक को ते की बहुत ज़्यादा फाइट हो गई थी और ते नाराज़ हो गई थी जंगकुक से। तो चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। ते ऐसे कैसे बेबी बहन, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों थे? तुम ही तो मुझसे नाराज थे। सो बताओ, क्या है, इतनी बड़ी गलती मैंने की है? हाँ ते, सच में तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में कोई आ सकता है? रियली? अगर नहीं आ सकता तो वो तुम्हें क्लेम क्यों करती है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? अगर तुम ऐसा करोगे, क्या मैं जवाब नहीं दूंगी तुम्हें? अभी आटो रास्ते से। ते बात सुनो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। पहले फिनिश करो पूरी बात। क्या फिनिश करो जंगकुक, क्या पूरी बात फिनिश करो? हाँ तुम्हें पता है मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, फिर भी तुम उसके साथ ये सब क्लियर क्यों नहीं कर देते हो? तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट होता है? तुम्हें मैं पहले भी कह चुकी हूँ एक बार, मैं वापस से नहीं खोना चाहती जंगकुक, तुम क्यों नहीं समझते? ते बेबी रिलैक्स, देखो मैं सब कुछ जल्दी क्लियर कर दूंगा। मैं मेरी मर्जी से थोड़ी ना उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के बैठा हूँ। ये सब मेरी मॉम ने किया। मेरी मॉम चाहती है कि मैं उससे शादी करूँ, इसके लिए वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी मर्जी थोड़ी ना है। डोंट वरी, मैं सब कुछ जल्दी क्लियर कर दूंगा, तुम्हारी जगह वो नहीं लेगी। तुम कितना फिकर क्यों कर रही हो? तो मैं फिकर क्यों कर रही हूँ? एक बात बताओ, अगर तुम्हारी नजरों के सामने कोई मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बोलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? इनफैक्ट उसने तो मेरी इंसल्ट भी की। फिर आज तुमने कह दिया आइंदा मत कहना, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बुलाए, समझ गई? तो आइंदा मत बोलना। ओ मैंने सिर्फ कहा उसके लिए तुम इतने ज्यादा पॉसेसिव हो गए। मेरी हालत तुमने देखी? मेरी जगह पे आके तुमने सोचा कि वो सबके सामने कह रही है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मुझे कैसा लगेगा? हाँ तुमने सोचा? इनफैक्ट वो तो मेरे सामने ही तुम्हारे ऊपर आग जता रही थी। तो ओ माय एंग्री बट इधर आ, देखो मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। मैं मेरे भाई से बात करूँगा, ठीक है, और इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन को फुल स्टॉप लगा दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है मेरी मॉम ना मेरी बात मानने से ज़्यादा मेरे भाई की बात मानती है। वो कुछ भी बोलता है तो मॉम मान जाती है। मैं उससे बात करूँगा, अगर वो मॉम से बात करेगा तो मॉम ज़रूर मान जाएगी कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, ना ही उससे गर्लफ्रेंड बनाना है, बिकॉज मेरी लाइफ में तो मेरी प्यारी सी बेबी बैर है ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। क्या सच में बनी? तो बताओ ना, तुम सच में अपने भाई से बात करोगे? क्या वो हमारी हेल्प करेंगे? हाँ कब बात करोगे? और मुझे क्या करना पड़ेगा वो बताओ। मैं कुछ भी करूंगी इस लिसा पिज्जा को तुम्हारी लाइफ से हटाने के लिए। बताओ मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा? एंग्री बर्ड पहले सांस ले लो, ओके? हम बात करेंगे। हम कैसे करेंगे? क्योंकि पहले तुम मेरे भाई से बात करोगे, क्योंकि उसे बताना तो पड़ेगा मेरी टेटे मेरी बेबी बैर कितनी अच्छी है, तभी तो वो बात कर पाएगा मॉम से कि लीजा से बेटर 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 कौन है ना। तो ठीक है ना बनी, तुम अपने भाई को बुलाओ ना, उन्हें बुलाओ, फिर मैं मिलती हूँ। और मुझे ये बताओ तुम्हारे भाई को कैसी टाइप की लड़कियाँ पसंद है, बताओ। क्यों बेबी, क्या तुम्हें उससे शादी करनी है? हाँ क्यों ये सब पूछ रही हो मुझसे? क्या जंगो क्या बोल रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो? सीरियसली बात करो ना, मैं क्यों पूछ रही हूँ? ताकि उन्हें
जब भी मैं फर्स्ट टाइम मिलूं तभी वो मुझे देखने के बाद इम्प्रेस हो जाए कि मैं उनके भाई के लिए तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। इसलिए मैं पूछ रही थी और तुम क्या बोल रहे हो, बताओ मुझे क्या पसंद है उन्हें। ओ तेते रिलैक्स, वैसे भी वो 90s का नहीं है, वो अभी का जनरेशन है, सो डोंट वरी, वो तुम्हें जज नहीं करेगा, तुम जैसी हो वैसे ही रहना ठीक है। बट सिर्फ एक चीज उसे बिल्कुल नहीं पसंद, जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते। सेम वही चीज मुझे भी नहीं पसंद, हम दोनों नफरत करते हैं ऐसे लोगों से जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते। बाकी कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या जो झूठ बोलते जो धोखा देते वो पसंद नहीं है, नफरत करते हो तुम और तुम्हारे भाई? लेकिन मैं तो वही कर रही हूँ ना पानी, जब तुम्हें पता चलेगा तुम क्या करोगे मेरा? ओ माय इनोसेंट टिटी, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम क्या सोच रही हो, हाँ इतना मत सोचो, डोंट वरी, मेरा भाई इतना भी जजमेंटल नहीं है कि तुम्हें जज करेगा ठीक है, डोंट वरी, रिलैक्स। जंगकुक, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कभी भी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे, कुछ भी हो जाए कभी भी तुम मेरा साइड नहीं छोड़ोगे, प्रॉमिस करो। ऑफ कोर्स बेबी बेयर, ये भी पूछने की बात है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साइड कभी भी नहीं छोड़ूंगा ओके, अभी इतना भी वरीड मत हो, और इधर आओ और अपनी प्यारी सी स्माइल दो मुझे ओके। और तुम अपने आंसू पोंछो, तुम तो मेरी स्ट्रांग बेबी बेयर हो ना, इतनी सी बात के लिए क्यों रो रही हो बेबी बेयर, आंसू पोंछो। वैसे जंगकुक, तुम्हारे भाई कहाँ पे रहते, वो भी क्या तुम्हारे मॉम डैड के साथ लंदन में रहते हैं? हाँ नहीं बेबी, वो मॉम डैड के साथ नहीं रहता, वो कोलकाता में रहता है। एक्चुअली वो और मैं बिजनेस के सिलसिले में इंडिया आए थे, मुझे मुंबई में मेरा बिजनेस का हैंडल करना था और उसे कोलकाता में, इसके लिए वो कोलकाता में रहता है ओके। ओ तो ऐसी बात है, वो सब छोड़ो बेबी बेयर, तुम मुझे एक प्यारी सी, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया तो तुम्हें तो मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए ना बेबी बेयर, तो मुझे एक प्यारी सी किस दो। क्या क्या बोल रहे हो जंगकुक, जंगकुक हम लोग ऑफिस में हैं, वो भी तुम्हारे कैबिन में, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा कि एक एम्प्लॉय और बॉस क्या कर रहे, कुछ भी बोल रहे हो जंगकुक तुम। ना 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 बेबी बेयर, मुझे चाहिए तो चाहिए। क्या कर रही हो, तुमने मुझे कब से बैठा के रखा है, मुझे ऑफिस भी जाना है, बताओ तो सही क्या है, क्या सरप्राइज है, बताओ जिमेन। जिमेन देखो जल्दी बताओ, डैड को जाना है ना ऑफिस, क्या क्यों नहीं लेके बैठ गई हो, जल्दी बताओ जिमेन। जिमेन तुम इतनी आराम से यहाँ पे बैठी हुई हो, सरप्राइज के बारे में बात कर रही हो, टाइम की तरफ देखो कितना टाइम हो रहा है, तुम पहले से लेट हो गई हो ऑफिस के लिए ठीक है जिमेन। डोंट वरी मॉम, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है क्योंकि मैंने आज डे ऑफ लिया है, सो डोंट वरी। सो मॉम डैड, आपका सरप्राइज आने वाला है, हियर वी गो। हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो, अंकल आंटी आप कैसे हो? फिलिक्स बच्चों, तुम कब आए, तुमने बताया भी नहीं तुम आ रहे हो, तुम्हें बताना चाहिए था ना, मैं तैयारी करके रखती, इतनी अचानक तुम आए कब वो तो बताओ। ओ तो ये था सरप्राइज, हे चैंप कैसे हो, कितने दिन हो गए, कितने दिन क्या, कितने साल हो गए तुम्हें, कितने टाइम बाद मैं देख रहा हूँ, तुम कैसे हो? यस मॉम डैड, आज मैं और डुलू लुक बहुत सारा मस्ती करेंगे घर पे, इसलिए तो मैंने ऑफ लिया है। सो डैड, अब आप मिल चुके डुलू लुक से, तो आप जा सकते हैं ऑफिस। यस अंकल आंटी, बहुत 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 टाइम क्या, सच में साल हो गए, एक्चुअली अचानक से प्लान बन गया तो मैं आ गया, थोड़ा काम भी था इसलिए। ओ ये तो बहुत अच्छी बात है फिलिक्स, आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम सब के लिए कुछ स्नैक्स लेके आती हूँ खाने के लिए ठीक है, कॉफी भी लेके आती हूँ, बैठो तुम सब। वैसे मिस्टर जियान जंगकुक, तुम्हारी मीटिंग है ना, जाओ जाके मीटिंग अटेंड करो, मुझे भी मेरा काम करने दो ठीक है, ना गो फास्ट। हाँ आज तो मीटिंग बहुत लॉन्ग होने वाली है बेबी बेयर, वक्त लगेगा, वैसे मैं तुम्हें मिस करूंगा, तुम इस मीटिंग में नहीं रहोगी ना, तुम्हारे पास दूसरा काम है ना, तुम्हें दूसरा काम मैंने दिया ना, सैड। ओह माय बनी, थोड़ी सी वक्त की बात है ना, तुम तो जल्दी आ जाओगे मीटिंग से। वैसे जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ क्या मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ,
ऐसे ऐसे क्यों लगता है तुम्हें बेबी बेन? हाँ, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? तुम्हें सडनली ऐसा क्यों सोचा? पता नहीं जंगुक, सडनली मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो मुझे लगा कि मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए। ऐसे मुझे पता है तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। सॉरी इतने मैं तुमसे छुपा रहा हूँ कि लीसा मेरे घर पे ही रुकी हुई है, करके मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर बता देता तुम पहले से परेशान हो और भी परेशान हो जाती, इसलिए नहीं बता रहा हूँ बेबी बेयर। जंगुक क्या सोच रहे हो? मीटिंग, जंगुक मीटिंग जाना है तुम्हें जंगुक? हाँ हाँ मीटिंग मीटिंग, ओके ओके बाय बेबी बेयर बाय। हेलो, हाँ आज ही हमें वो काम करना है, समझ गया ना? अगर मैं वो कोड यूज करूंगी तो तुरंत वहां से भाग जाना, क्योंकि हमें फंसना नहीं है। जल्द से जल्द वहां पे पहुंचो, मैं भी पहुंच रही हूँ, ठीक है? जल्दी बाय। सॉरी बनी, वापस से मुझे वही करना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरा जॉब है, ये मेरा ड्यूटी है, मुझे निभाना ही पड़ेगा। आई होप तुम एक ना एक दिन मेरी बात समझोगे। मुझे पसंद नहीं है तुमसे झूठ बोलना, लेकिन मेरी मजबूरी है। I'm so sorry, जंगकुक। 2 घंटे, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे जंगकुक को मीटिंग के लिए, इसलिए मैंने इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मना कर दिया, दूसरा काम ले लिया। अभी इस 2 घंटे में मुझे वो फाइल कैसे भी लाना है। बस ये लोग सही से काम करते हैं, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार मुझे वो फाइल मिल जाए बस, दैट्स इट। चलते काम पे लग जा, इस बार मैं अच्छे से सक्सेसफुली हो जाऊँ। मुझे अच्छे से मीटिंग भी करने नहीं देती, अभी इसे क्या प्रॉब्लम है? अभी मुझे वापस जाना पड़ रहा है घर, ये सब मॉम की वजह से मैं कर रहा हूँ। अगर मॉम मुझे मजबूर नहीं करती ना, कैसी घंटी बांध दी है मॉम ने मेरे गले में। अब मैं मीटिंग संभालूं या लीसा की बेबी सिटिंग करूं? करूं तो करूं क्या? ये सब कितने टाइम तक मुझे झेलना पड़ेगा मुझे ही नहीं पता, परेशान करके रख दिया। डैड को मुझे इंडिया भेजना ही नहीं चाहिए था इंडिया की कंपनी संभालने के लिए, उल्टा मुझे बेबीसिटिंग का काम दे देना चाहिए था लीसा के लिए। मैं उसका हमेशा बेबीसिटिंग ही करता रहता, मैं आया क्यों यहाँ पे? मीटिंग करने या बिजनेस संभालने या लीसा का बेबीसिटर बनने? अरे यार, इसे आने में कितना टाइम लगेगा फाइल लेके? मैं कब तक घर के बाहर खड़ी रहूं अगर कोई आ गया तो? कोई आ रहा है क्या? नहीं, मुझे तो कोई नहीं। ये यहाँ पे बेबी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे घर के बाहर? हाँ, तुम्हें तो कुछ और काम था ना, तुम यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो बेबी? तेरे तो बुरी फंसी, अभी मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ? हाँ आइडिया, अभी प्लान का वक्त है, वन वन इसे आजमाना पड़ेगा। तेरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, वो जगह मैं काम के सिलसिले में जा रही थी इसी रास्ते से, तो मैंने देखा कि तुम्हारे घर के बालकनी में कोई खड़ा है, मुझे लगा कि कोई चोर है। तुमने तो कहा था कि तुम अकेले रहते हो, और तुम्हें याद है एक बार मैं आई थी काम के सिलसिले में तुम्हारे घर पे, तो मुझे याद था ये तुम्हारा ही घर है। तो मैंने क्या किया, मैं चुपचाप यहाँ पे आ गई और दरवाजे पे कान लगा के सुन रही थी क्या चोर घर के अंदर क्या कर रहा है। तभी देखो यहाँ पे सामान भी है, मुझे लगता है कि वो चोरी करने आया है। बस जंगुक मेरे इस 111 स्टोरी में यकीन कर ले, वरना मैं बुरी फंस जाऊंगी, निकल भी नहीं पाऊंगी। प्लीज गॉड हेल्प मी प्लीज। ओ नो, ये जरूर लीसा ही होगी, ये पागल है क्या? खुद का सामान बाहर क्यों छोड़ के गई और बालकनी में क्या कर रही थी? मुझे देखो कैसे भी अंदर जाने से रोकना पड़ेगा, वरना बेबी बेयर को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, कैसे भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। जंगुक सोच रहा है, मुझे लगता है कि उससे मुझ पे शक हो गया, मुझे 112 प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी मैं बच पाऊंगी। ये देखो जंगुक, मुझे ना यहाँ पे डोर के सामने ये की पड़ी हुई मिली, ये देखो, मुझे लगता है कि ये इसी डोर का है। रुको मैं खोल के दिखाती हूँ तुम्हें। ये पागल लीसा मुझे आज मरवा के रहेगी, इसे मैंने 2 की क्यों दिया? एक घूम गया या कुछ हो गया तो दूसरा काम आएगा, ये तो मुझे फंसाने में लगी हुई है। ओह थैंक गॉड, मैं डुप्लीकेट की बना के लेके आई, लेकिन वो अंदर है। अच्छा हुआ कि मैंने उसे खिड़की के रास्ते से भेजा, लेकिन मुझे उसे निकालना पड़ेगा। देखा जंगु, दरवाजा खुल गया, बंद भी हो गया। अभी मैं ये की संभाल के रख लेती हूँ। हाँ ये देखो बेबी बेयर, मेरे पास भी की है, ये देखो, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। ऑटो रास्ते से मुझे अंदर जाने दो, मैं देखता हूँ कौन है अंदर। नहीं मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, नहीं नहीं जा सकती अंदर, अंदर तुम्हें कुछ भी हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, नो 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 नो,
मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मुझे करना ही पड़ेगा। मैं अंदर जा रही हूँ। ना 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 ना, तुम किधर जा रही हो? मैं जाऊंगा बेबी, इधर आओ। कंगारू कूद रहा है, तुम भी कूदो, हम भी कूदे, सभी कूदे। ये तुम क्या कर रही हो थे हा? और ये क्या बोल रही हो तुम? आर यू ओके? कंगारू पास है। देखो, मुझे लगता है ऐसे डायरेक्ट जाना सेफ नहीं है। हम ना कुछ और करते हैं। क्या तुम मेरे ड्रेस को छोड़ दोगे? ओह थैंक यू। हाँ भी हम कुछ करते हैं, ठीक है? मैं कब करती हूँ। ओए ओए कंगारू कंगारू, ओए ओए कंगारू कंगारू, कंगारू कंगारू भागो भागो, कंगारू कंगारू ओए ओए। तियोंग, किम तियोंग, स्टॉप इट राइट नाउ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? आज मैंने ऑफिस नहीं आई तो मैं उसके घर के बाहर ऐसे चुपके क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ पे क्यों? मैं यहाँ, ये तो जिमिन है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे और देखेंगे क्या होने वाला है तेकुक और युंगमिन के साथ। बाय बाय, टाटा, लव यू, अन्योंग।